नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान की आतंकवादी सरपरस्ती वैसे तो दुनिया भर में जगजाहिर है, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सोच को एक बार फिर अमेरिका ने बेपर्दा कर दिया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट के एक खुलासे से पाकिस्तान में ही खलबली मच गई है। रिपोर्ट बाहर आ जाने के बाद पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच में लगातार मैराथन मीटिंगें चल रही हैं। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मौजूदा हालात में अगर कोई भी आतंकी संगठन या फिर पाकिस्तान सरकार किसी तरीके की आतंकी वारदात को भारत में अंजाम देते हैं तो फिर पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है या फिर पीओके वापस लेने के लिए बड़ी मुहिम भी भारत छेड़ सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने जब कंगाल पाकिस्तान की पोल खोल दी तो वो तिलमिला उठा। अमेरिकी संसद में एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता आया है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत पहले की तुलना में सैन्य कार्रवाई करने के मामले में बेहतर हुआ है। पाकिस्तान के साथ ही इस रिपोर्ट में चीन का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत और चीन के बीच 2020 में हुई हिंसक झड़प के चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते खटास से भरे होंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दो परमाणु संपन्न देश यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान की ओर से 2021 में सीमा पर सीजफायर का ऐलान किया गया था, यानी दोनों देश अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश में हैं। कहने का मतलब ये है कि अब अमेरिका भी भारत की बढ़ती ताकत पर मुहर लगा रहा है, वहीं भारत को चीन और पाकिस्तान से मजबूत बता रहा है। अच्छा, ये है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट आई है अमेरिका में, इसमें काफी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं कि आज के हालात जो पाकिस्तान के बहुत खराब हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन देखें और इसी प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर। अब जिस प्रकार से आपस में पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, एक के बाद बड़े डेयरिंग अटैक कर रहा है, इसी प्रकार बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी बड़े जोरों से सक्रिय है, और साथ में पाकिस्तान के जो रिलेशन है अफगानिस्तान से वो भी काफी हद तक खराब हो गए हैं ड्यूरन लाइन लेके। बता दें कि भारत और चीनी सेना के बीच गलवान में जून 2020 को हिंसक झड़प हुई थी। चीनी सेना से हुई इस झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे, वहीं चीन को भी काफी नुकसान हुआ था। लेकिन चीन पर आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगता रहा है। इसके बाद दोनों देशों ने भारी संख्या में एलएसी पर सुरक्षा बलों की तैनाती की। हालांकि इसके बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई और कई विवादित इलाकों से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं वापस ले ली थी। अमेरिका की इस रिपोर्ट से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ही झूठे आरोप लगा दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद का शिकार रहा है। हालांकि आतंकियों का पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान की ये दलील किसी के गले उतरने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को उंगली उठा रहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बेसी देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान टूटने के कदार में है। ऐसा लगता है कहीं सिविल वार जैसी सिचुएशन हो सकती है। आईएमएफ इनको कोई लोन दे नहीं रहा है क्योंकि वो रीस्ट्रक्चर अपना टैक्स नहीं कर पा रहे हैं, सब्सिडीज को कम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से ज्यादा चला गया है। फॉरेन रिजर्व $2 बिलियन से घट गए हैं, जो कि 10 दिन का भी इंपोर्ट नहीं दे सकते। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ना चिंताजनक है। इससे परमाणु हथियारों से संपन्न दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हो सकती है। हालांकि 2021 में सीमा पर सीजफायर का ऐलान किया गया था, लेकिन पाकिस्तान इसका कितना पालन करेगा यह कह पाना बेहद मुश्किल है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराने या भारत में एक और आतंकी हमला होने की सूरत में लड़ाई की आशंका जताई गई है और भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक जवाब दे सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान को इस बार भारत से बचकर रहने की नसीहत दी गई है। इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कहीं सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है पाकिस्तान में तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर आतंकवाद जो है वो फैलेगा और टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में भी ये न्यूक्लियर हथियार पड़ सकते हैं। वो एक बहुत चिंता का विषय है और अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई है कि अगर न्यूक्लियर हथियार जो आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए शांति के लिए खतरा है। बता दें कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत शुरू करने को लेकर भारत कई बार अपना रुख साफ कर चुका है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और खालिस्तानी आतंकवादी समूहों पर भी बात की। उन्होंने रिपोर्ट को लेकर कहा कि अमेरिका इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहता है और कोई भी आतंकी संगठन जो दुनिया के लिए खतरा है निश्चित रूप से सुपर पावर की चिंता बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी कभी फरमाइश नहीं करते। कंगाल और भिखारी हो चुके पाकिस्तान को अपनी बदहाली दूर करने के लिए आईएमएफ से मिलने वाली मदद का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आईएमएफ पाकिस्तान की हरकतों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने के लिए आईएमएफ टस से मस नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने दूसरे सदस्य देशों के लिए ना सिर्फ लोन देने की के लिए अपना खजाना खोल दिया है बल्कि रकम में इजाफा भी कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को यह संदेश देना चाह रहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी आकर रहेगा तब तक ऐसे ही ठोकरे खाता रहेगा। बदहाल पाकिस्तान का कंगाली का दायरा दिनों दिन और बड़ा होता जा रहा है। कंगाल पाकिस्तान की झोली में ना तो उसके दोस्त और ना ही दुश्मन कूटी कौड़ी डालने के लिए तैयार हैं। और तो और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। आईएमएफ इस वक्त जो है वो क्योंकि दूध का जला है तो वो थोड़ा सा फूक फूक के पी रहा है छाछ भी और थोड़ा सा वो केयरफुल हो गया है क्योंकि तीन मर्तबा पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में आईएमएफ से किए हुए माहिदों के ऊपर अमल नहीं किया है। जानकारी के अनुसार आईएमएफ ने संकट में घिरे सदस्य देशों के लिए अस्थायी तौर पर फंडिंग में इजाफा कर दिया है। इसका मकसद इन देशों के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों को कम करना है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने अभी तक उस बेल आउट पैकेज को हाथ भी नहीं लगाया है जो पाकिस्तान को मिलने वाला था। सच्चाई यह है, पाकिस्तान की आदत रही है, पाकिस्तान आईएमएफ से 21 बार लोन ले चुका है और अब 22वीं बार जा रहा है और जो पाकिस्तान कह रहा है कि आईएमएफ उनको अभी लोन नहीं दे रहा और बाकी देशों को दे रहा है यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि पाकिस्तान को लोन आईएमएफ तभी देगा जब वो अपनी रिस्ट्रक्चर करेगा टैक्सेस को और जो सब्सिडीज हैं जिस प्रकार से एनर्जी में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, गैस में है या आपकी फ्यूल में है उसको कम करेगा और टैक्स का दायरा बढ़ाएगा क्योंकि जो आईएमएफ है वो लोन जब देता है जब वो यकीन करता है कि आपके पास ये काबिलियत और क्षमता है कि आप इस लोन को वापस दे देंगे। कंगाल पाकिस्तान को अपनी बदहाली दूर करने के लिए आईएमएफ से मिलने वाली मदद का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आईएमएफ अपने अड़ियल रुख से टस से मस नहीं हो रहा। आईएमएफ के एक बयान के अनुसार वो दूसरे सदस्य देशों के लिए ढील देने की तैयारी में है। आईएमएफ की तरफ से बताया गया है कि फंड के जनरल रिसोर्स अकाउंट के तहत हर साल लोन मिलने वाली सीमा को 200% तक किया जाएगा और ये लिमिट 12 महीने यानी एक साल के लिए रहेगी, जबकि वर्तमान में ये आंकड़ा 145% है। आईएमएफ ने नियम में जो बदलाव किए हैं उसके बाद सदस्य देशों को फंड आसानी से मिल सकेगा। इस नए नियम के बाद उन्हें कड़े नियमों के बगैर भी संकट के समय फंड मिल पाएगा। वो दूध का जला भी छाछ को फोंक फोंक के पीता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो डसे हुए हैं।
तो लेकिन इस वक्त तो खैर हम भिखारी बने हुए हैं, उनसे कर्जा मांग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि जो आपने कहा कि डेढ़ साल में तीन दफा जो है वो उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, तो इन तीन में से कितनी दफा इमरान खान की हुकूमत ने की और कितनी दफा ये आपकी जो पार्टी की हुकूमत है उसने की? दो दफा इमरान खान साहब ने की है। एक मरतबा जब कोविड खत्म हुआ और कोविड में बहुत रिलैक्स कर दिया था आईएमएफ ने, जब कोविड का ये पेंडेमिक में शिद्दत में कमी आ गई और मईशत वापस जब नॉर्मल हो गई, तो आईएमएफ ने तीन रिव्यू एक साथ किए और अफिशियत साहब ने वो रिव्यू करे और उसके बाद हमको एक क्रिस्प भी पैसे मिले। और जैसे ही पैसे मिले तो खान साहब ने अफिशियत को हटा दिया और शौकत तरीन साहब आ गए, विच इज फाइन। लेकिन जब शौकत तरीन साहब ने वो जब बजट पेश किया तो वो आईएमएफ के मुहाइदे के मुताबिक नहीं था। कंगाल हो चुकी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार आईएमएफ से एक अरब डॉलर वाले कर्ज को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो आईएमएफ की हर मांग को पूरा करने की कोशिशें भी कर रही है। अधिकारियों की माने तो शहबाज सरकार काफी घबराई हुई है, क्योंकि कर्ज के लिए आईएमएफ को भरोसा दिलाने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। आईएमएफ की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है, इसके साथ ही साथ सरकार के खर्चे को भी कम किया गया है। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान को आईएमएफ से एक अरब डॉलर वाला पैकेज मिलने वाला है। हम तो अल्लाह माफ करे कभी सोच भी नहीं सकते, हर चीज अपने मुल्क में कुर्बान है और जान भी कुर्बान है। और मैं समझता हूं कि ये जो साथी कहते हैं बैठ के उसमें टेलीविजन पे, रोड मैप भी है पॉलिसी भी है, लेकिन ये पब्लिक ये अखबार में इश्तिहार नहीं दिया जा सकता। और उसकी आपको ये क्या ये रोड मैप पॉलिसी नहीं है कि अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ? हर बंदे ने कह दिया कि डिफॉल्ट होगा। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि आईएमएफ को ये भरोसा दिया गया है कि जून तक वित्तीय घाटे को पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आईएमएफ के कर्ज की अगली किस्त हासिल हो सके। वहीं खबर ये भी है कि आईएमएफ तो पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाना चाहता है, जिससे गरीबों को महंगाई से राहत मिल पाए। आईएमएफ तो पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाना चाहता है, आईएमएफ तो पाकिस्तान में गरीबों को सब्सिडी देना चाहता है, तो क्या ये आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये बात कहने के लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहते हैं आईएमएफ, सच्ची बात है कि ना आपको ये कहता भी नहीं है। आईएमएफ आपको कहता है कि इस बार जो कह रहा है कि आप प्राइमरी सरप्लस रखें, कि आपका जो खसारा है जो सूद को निकालने के बाद आपका खर्चा पूरा होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल था लास्ट टाइम, और बड़ा मेरे ख्याल से मुस्बत ख्याल था कि अगर आपने ये टैक्स बढ़ाना है मिफ्ता तो उन्होंने अमीर लोगों के ऊपर डालो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बैंकों के ऊपर टैक्स बढ़ाओ और अपने बच्चों की कंपनी जो शुगर कंपनीज थी उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि बिल्कुल टैक्स लगा दो तुम एक्स्ट्रा। तो हमने उनके ऊपर टैक्स लगाया, हमने जमीन के मालकान के ऊपर जिनके पास एक्स्ट्रा जमीनें पड़ी होती हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया, दीगर हमने 4% सारी कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया। तो हमने ये सब कुछ किया था। हमने सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया क्योंकि वी थॉट कि दिस वाज अ रिग्रेसिव टैक्स। लेकिन जाहिर है कि जब आप टैक्स बढ़ाते हैं या मईशत के अंदर आप बिजली महंगी करते हैं तो गरीब के ऊपर भी बोझ आता है। लेकिन दुनिया भर से लोन की भीख मांग रहे कंगाल पाकिस्तान में चीन का दखल अब और बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को आयरन ब्रदर बताते रहे हैं। पाकिस्तान के आर्थिक बदहाली से देश के डिफॉल्ट होने का खतरा भी काफी बढ़ गया है, और उसकी बदहाली का फायदा उठाकर चीन ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नया कर्ज दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अब चीन का प्रभाव पाकिस्तान में और ज्यादा बढ़ने लगा है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अरबों डॉलर की सीपेक परियोजना चला रहा है, और रक्षा संबंधों की बात की जाए तो दोनों देश मिलकर GF-17 लड़ाकू विमान बना रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव डायरेक्टर उजैर योनुस के अनुसार अभी पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा 30% से भी ज्यादा है। पाकिस्तान अगर कर्ज नहीं लौटा पाता है तो चीन आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र में अपनी मांग बढ़ा सकता है। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी रखता है और बराबरी करने के लिए चीन से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को बढ़ा सकता है, इससे पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। उजैर योनुस का ये भी कहना है कि जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं उससे आने वाले सालों में चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं चीन ग्वादर में पोर्ट बना रहा है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। चीन ग्वादर पोर्ट से मछलियों का व्यापार कर रहा है
जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर संकट मंडरा गया है। यही वजह है कि चीन के नागरिकों के खिलाफ बलूचिस्तान में कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। इससे अब चीन पाकिस्तान पर अपने सैनिकों की तैनाती के लिए और ज्यादा दबाव डाल सकता है। ये चीनी सैनिक चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात किए जा सकते हैं और अब ये पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है कि वो चीन से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसे काफी रियायत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पूरी दुनिया ही पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर चिंता में है, लेकिन अब यह डर पाकिस्तान की जनता को भी सताने लग गया है। पाकिस्तान के कई नेता अब खुलकर इस मामले को उठा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता लगातार इन खतरनाक बॉम्ब के बारे में हर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रही है, ताकि ऐसे हथियार आईएसआई और आर्मी द्वारा किसी भी आतंकी समूह को चुपचाप ना दे दिए जाए। आम जनता को यह भी डर है कि पाक आर्मी कहीं इन आतंकी समूह के सामने सरेंडर ना कर दे और पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान जैसे ना हो जाएं। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अब खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इन सबके बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद रजा रब्बानी ने भी शहबाज सरकार से सीधा सवाल कर दिया। रजा रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को ये जानने का पूरा हक है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कोई दबाव तो नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को ये भी जानना चाहिए कि क्या चीन के साथ रणनीतिक रिश्तों पर कोई खतरा है। पाकिस्तान को इस समय उम्मीद की रोशनी नजर नहीं आ रही। आईएमएफ से जो बेल आउट पैकेज मिलने वाला था वो भी अटक गया है। अब ऐसे में ये मुल्क महासंकट से बाहर कैसे निकलेगा, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, अगर अपने जो ये कर्जे उतारने तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो। वो केस है बड़ा अमेरिका, अमेरिका अपने मामला में दखल देने की हमें ज्यादा देता है। मैं तो ये कहूंगा कि गेट द न्यूक्लियर पावर, अगर आपके पास ज्यादा है, हमारे पास इतने ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी। सांसद रजा रब्बानी ने कहा कि हर नागरिक के मन में परमाणु हथियारों को लेकर सवाल उठना लाजमी है। उन्हें जानने का भी पूरा अधिकार है कि क्या पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में एक ताकत के तौर पर बड़ा रोल अदा करने को मिलेगा, ताकि उसकी सेना अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ लोग इसे बर्बादी का सामान मानते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी की हद तक तो ठीक है कि आपने बना के रखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम बल्कि इवन के होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, तो ये तो बहुत डेंजरस बात हो जाती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह दिवालिया हो गया तो फिर उसके परमाणु हथियारों की वजह से क्षेत्र में खतरा बढ़ सकता है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से परमाणु हथियार तो ठीक है, लेकिन आखिरकार इनसे तो तबाही ही आएगी। ये तो इंसान ने अपनी बर्बादी के और तबाही के जो इंतजाम है ना, वो खुद ही कर रखे हैं। बाकी कम ज्यादा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक उन्होंने उनके पास भी उन्होंने अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है और दुनिया उसे गिरने नहीं देगी। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान बर्बाद होता है तो अमेरिका पहला देश होगा जो आगे आएगा और मदद करने के बदले में परमाणु बम को अपने कब्जे में ले लेगा। अमेरिका के डिलावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और भारत पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तदर खान का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है और परमाणु ब्लैकमेल करता है तो अमेरिका उससे इस खतरनाक हथियारों को छीन सकता है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ टोटल कोलैप्स, तो जो पहला मुल्क आएगा वो यूएस आएगा और यूएस विल टेक द वेपन्स इन एक्सचेंज फॉर दैट, फिर क्या रह जाएगा आपके पास? अगर आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं दुनिया को देन दे विल टेक इट फ्रॉम यू, मतलब ये क्या आपके अमेरिका फेंकेंगे बम।
वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अमेरिका परमाणु बमों को तबाह करने की क्षमता को हासिल कर चुका है। बता दें कि पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर अमेरिका ने एक प्लान बनाया हुआ है जिसका नाम स्नेच एंड ग्रैब है। वो कहते थे कि वी आर अफ्रेड के अफगानिस्तान पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स में कम इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन अब सुनने में नहीं आता। आपने कभी सुना है? एक बार बाइडेन ने कहा पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस कंट्री, बट उसके अलावा आपको ये सुनने में नहीं आता। देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न फ्रॉम द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अबाउट पाकिस्तानी न्यूक्स। या तो वो फुली अश्योर्ड हैं कि जो प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजिकल मतलब रिजीम्स ऐसे क्रिएट कर चुके हैं कि वो अगर आपके हाथ में भी बम आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते फिजिकली। अगर आप एसेट्स अगर कोई टीटीपी अगर घुस के ले भी लेती हाथ में तो दे विल नॉट बी एबल टू इग्नाइट देम एंड फायर देम, वो एक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि देर आर सम मेजर्स टेकन टू न्यूट्रलाइज। अब तो ये साफ हो चुका है कि कंगाल पाकिस्तान के दोनों हाथ खाली हैं। आर्थिक मोर्चे पर खड़े पाकिस्तान के एक तरफ खाई है तो परमाणु बम की धमकी देने वाले आतंकिस्तान की दूसरी तरफ कुआं है, यानी अब पाकिस्तान का उबर पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पाकिस्तान को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट लगातार आती रहती है और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय भी रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान पर बनी और आई ये खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए ही चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आतंकी समूह के सामने पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए तो पाकिस्तान की हालत तो अफगानिस्तान से भी बुरी होने वाली है। आज गुड न्यूज टुडे में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।